आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, ये कौन होते हैं। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है दोस्तों इस पोस्ट को क्रिएट हुए हुए, हाल ही में मतलब 20 साल हुए हैं अभी, 21 साल हुए हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जो कि भारत में कुछ संदिग्ध गतिविधियां ना हो, भारत की जो सिक्योरिटी है वो अच्छे से मैनेज हो सके, लोग सुरक्षित रहें, ये सारी चीजें देखता है एनएसए या फिर एनएससी। आज हम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके हेड एनएसए होते हैं, उस पर बात करेंगे। एक डिटेल्ड एनालिसिस है, बहुत सारी चीजें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। वो आपने सुना होगा ना, भारत सुरक्षित हाथों में है, तो दोस्तों वो हर पॉलिटिकल पार्टी बोलती है, लेकिन वो इसलिए सुरक्षित हाथों में है क्योंकि पीछे बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनके पास ज्ञान है और जो बहुत ही अच्छे ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं। तो आज हम इनकी बात करने वाले हैं। वैसे ये जो शख्स दिख रहे हैं भैया, भारत के जेम्स बॉन्ड फेल है, इनके आगे इथन हंट फेल है। मैं पर्सनली इनका बहुत बड़ा फैन हूं क्योंकि इनका काम करने का तरीका बहुत जबरदस्त है। अजीत डोवाल है इनका नाम और करंट एनएसए हैं। इन पे मैं सेपरेट बायोग्राफी कवर कर चुका हूं, लाखों लोगों ने उस बायोग्राफी को देखा है, पसंद किया है, शुक्रिया। तो आप जरूर वो लेक्चर देखिएगा। आपको पता है कि एक बार इनसे सवाल पूछा गया था कि आप इतने खतरनाक काम करते हैं, आप पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में जासूस बन के रहे। दोस्तों अभी तक इन्होंने बहुत कम, ये आईपीएस रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी पुलिस की वर्दी नहीं पहनी क्योंकि ये खतरनाक मिशंस पे जाते हैं। तो इनसे पूछा गया कि आप इतने खतरनाक मिशंस कर चुके, क्या आपको डर नहीं लगा? तो इनका जवाब पता है क्या था, इन्होंने बोला कि डर बाद में लगता है, उस समय नहीं लगता। उस समय जब आप जाते हैं, मिशन को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करके आते हैं, तब आपको कोई नहीं, तब खाली एक ही जज्बा होता है, एक ही सोच होती है कि हमको देश के लिए काम करना है। लेकिन जब आप वापस आते हैं, घर में आते हैं, ड्रिंक लेते हैं, एक मतलब ड्रिंक लेते हैं, सिगार पीते हैं, तब आप सोचते हैं कि यार बहुत बड़ा खतरा था, जान भी जा सकती थी। तो ऐसा है, बड़े ही जब भी ये बोलते हैं एकदम ही सहज तरीके से, सौम्य तरीके से बोलते हैं, लेकिन भैया इनका काम इतना जबरदस्त है। क्या करियर रहा है जी डोवाल जी का। ऐसे ही ब्रजेश मिश्रा है जो कि पहले एनएसए थे। चलिए अच्छा, वो मैं भी बाद में बताऊंगा, मजा आ जाएगी आपको लेक्चर सुन के। सिडर्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम्स को कवर किया है दोस्तों। अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज आते हैं, इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। आज आखिरी दिन है सेल का, जरूर इसका फायदा उठाइए। हाल ही में हमने यूजीसी नेट कॉमर्स का कोर्स लॉन्च किया है, तो अगर आप नेट की तैयारी कॉमर्स सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा मदद देगा, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप एनएसए की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन होता है, ये एक सीनियर ऑफिशियल होते हैं, सीनियर ऑफिशियल होता है जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेड होता है। अब ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। ये प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, जैसे कहीं पे भी कुछ दिक्कत हुई तो वो हमारे प्रधानमंत्री को बताता रहता है। देखिए दोस्तों, ब्यूरोक्रेट्स का काम क्या है ये आपको जानना होगा। ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है मैनेज करना, और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको बताना, ठीक है, कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको फोर्स करके करना चाहिए, वो खाली बताते हैं। अब ये डिसीजन पॉलिटिशियंस के हाथ में होता है, मिनिस्टर्स के हाथ में होता है कि ये स्कीम्स या जो भी चीज वो बता रहे हैं उसको वो लागू करे कि ना करे। तो ये प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देते हैं इंपॉर्टेंट सिक्योरिटीज इश्यू पे। नाम ही है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो याद रखिएगा एडवाइजर है ये। और अजीत डोवाल जी जो है वो अभी प्रेजेंट चेयरमैन है। भैया कौन कौन इनके साथ होता है, देखिए सबसे जो कोर ग्रुप में होते, मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो हेड होते हैं वो तो एनएसए होता है। साथ ही साथ इसके अंदर आते हैं एक डेप्यूटी एनएसए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, निर्मला सीतारमण है इस समय, वो होती हैं। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, होम मिनिस्टर, और ये सब प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो कि एक
सरकार की एजेंसी है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, जो कि प्रधानमंत्री को एडवाइस करती है। नेशनल सिक्योरिटी एडवांस काउंसिल जो है दोस्तों, ये अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के दौरान इसको बनाया गया था, क्योंकि उस समय सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। आपको याद ही होगा दोस्तों, वो जो पीरियड था भैया, बड़ा ही खतरनाक पीरियड था, क्योंकि उस समय अमेरिका हमारे साथ नहीं था, वो पाकिस्तान के साथ था। आपको याद है कि नहीं? बिल्कुल याद होगा भैया, मैंने लेक्चर्स भी लिए कितने सारे, तो आपको याद तो होगा ही। तो अटल बिहारी वाजपेयी 19 नवंबर 1998 को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया गया, और इसके हेड जो थे, इसका हेड जो होता है वो होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ब्रजेश मिश्रा जो थे वो फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, और दोस्तों प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, दो पोस्ट होती थी, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एक नेशनल NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, दोनों पोस्ट ब्रजेश मिश्रा के पास थी। लेकिन जब मनमोहन सिंह की सरकार आई थी तो दोनों पोस्ट को अलग कर दिया गया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसी और को बनाया था और NSA किसी और को बनाया था। वो मैंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक का रिव्यू किया है, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया था कि किस तरीके से भैया ये जो पोस्ट डिवाइड हुई थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कोर ग्रुप होता है दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ही वजह से भारत में अटैक्स नहीं हो पाते, क्योंकि ये चौकन्ना रहता है, तो बहुत ही कोर ग्रुप है। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यहां पे ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स के बीच में डिस्प्यूट होता रहता था, और ये थोड़ा बहुत नोकझोंक चलती रहती है। लेकिन ब्रजेश मिश्रा की बात करें दोस्तों, तो अटल बिहारी के बड़े ही करीबी थे ब्रजेश मिश्रा। चीफ मिनिस्टर के यहां पैदा हुए थे ब्रजेश मिश्रा। इनकी अभी हल्की सी बायोग्राफी मैं दूंगा कि जब मैं लिस्ट ऑफ NSA आपको बताऊंगा। तो दोस्तों NSA एक थ्री टायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, NSC एक थ्री टायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे निचले स्तर पे है जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी। देखिए दोस्तों, ये काम कैसे करती है, बहुत ही सिंपल है। एक ऑर्गेनाइजेशन सरकार की क्या करेगी, डेटा इकट्ठा करेगी, ठीक है, इसी को कहते हैं जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी। जितने भी भारत के इंटेलिजेंस ग्रुप है वो साथ में आते हैं, वो डेटा इकट्ठा करते हैं, कोई भी संदिग्ध गतिविधि उनको लग रही है। इनके बहुत सारे सोर्स होते हैं दोस्तों, बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, वहां से ये डेटा इकट्ठा करते हैं। IB, रॉ और मिलिट्री, नेवल और एयर इंटेलिजेंस के डायरेक्टर्स इसमें शामिल होते हैं। ये सब डेटा इकट्ठा करके किसको देते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को। इनको डेटा इकट्ठा करके दिया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है, NSAB की बात करें तो इसमें भी ग्रुप ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि या तो सरकार से रिटायर हो चुके होते हैं या सरकार के बाहर से होते हैं, एकेडमिक हो सकते हैं, डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रख सकते हैं, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रख सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं। ज्यादातर इसमें रिटायर्ड ही ऑफिशियल्स आते हैं जो कि जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी से डेटा लेते हैं और उसके बाद उस पर रिसर्च करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च, और फिर ये फाइनली किसको सब चीज देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप SPG, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप। 16 मेंबर्ड ग्रुप है। भारत की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस है, जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, इसमें हर कोई आ जाता है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप। और उसके बाद स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप जो है ये प्रधानमंत्री को बताता है कि देखिए ये चीजें हैं। तो ये निचले स्तर से होते हुए ऊपर के स्तर पे जाती है। अब स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप की बात करें दोस्तों, तो ये न्यूक्लियस है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। पहले जो था ये कैबिनेट सेक्रेटरी देखता था, लेकिन बाद में जब NSA 1998 में बनाया गया, उसके बाद फिर इसको बदला गया और चेयरमैन NSC जब 1998 में बनाया गया, उसके बाद फिर इसको बदला गया और चेयरमैन जो है इसका फिर NSA हो गया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब इसमें इसके मेंबर सुन लीजिए दोस्तों, कैबिनेट सेक्रेटरी तो होता ही है, RBI गवर्नर, फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, चीफ ऑफ आर्मी, नेवल, एयरफोर्स, IB, एटॉमिक एनर्जी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, स्पेस एनर्जी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, तो जितने भी लोग हैं, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबके डायरेक्टर्स को SPG जो है वो इंक्लूड करती है और अपनी रिपोर्ट जो है वो फाइनली फिर किसको देती है, प्रधानमंत्री को एडवाइस करती है कि आपको ये चीजें करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज है। फिर हम NSA पे आ जाते हैं दोस्तों, तो आप समझ ही गए होंगे
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को हेड करता है एनएसए। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है या तो आईपीएस होगा या आईएफएस होगा, ये एलिजिबिलिटी होती है। या तो आप इंडियन फॉरेन सर्विस में काम किए हो, जितने भी दोस्तों अभी तक टोटल 5 एनएसए रहे हैं, अजीत डोवाल प्रेजेंट हैं, वो पांचों के पांचों या तो आईएफएस थे या फिर आईपीएस थे, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। और रेगुलर ब्रीफिंग होती है। एनएसए जो है ये डिप्लोमैट भी, एज ए डिप्लोमैट की तरह भी एक्ट करते हैं। पाकिस्तान चाइना से अगर बात करनी हो तो ये पोस्ट भी एनएसए जो है वो ले सकता है दोस्तों। क्योंकि इंडियन फॉरेन सर्विस से इनका पूरा ताल्लुक रहता है, ठीक है, इनमें से बहुत सारे एनएसए तो, मतलब बहुत सारे क्या, दो तीन एनएसए तो, जैसे ब्रिजेश मिश्रा, ये तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस के रहे ही थे भारत की तरफ से 1979 से 81 तक, तो इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है ना, बहुत बड़ी पोस्ट है। इसलिए अब दोस्तों लिस्ट ऑफ एनएसए आप देख लीजिए, ठीक है, 1998 से 2004 जब ये पोस्ट बनी थी, सबसे पहले थे ब्रिजेश मिश्रा। ब्रिजेश मिश्रा एक जबरदस्त पर्सनैलिटी दोस्तों। जब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक का मैंने रिव्यू किया था, और जब वो बुक मैंने पढ़ी थी, और कई, मतलब कई जब बुक्स मैं पढ़ता रहता हूं, तो ब्रिजेश मिश्रा का नाम मुझे बहुत मिलता है। ब्रिजेश मिश्रा का, ब्रिजेश मिश्रा की बात करें तो एक बहुत ही जबरदस्त ब्यूरोक्रेट थे ये, एक ठाकड़ ब्यूरोक्रेट जिनके आगे किसी की नहीं चलती थी, इतना जबरदस्त इनका परसेप्शन होता था। ये द्वारका मिश्रा के, द्वारका प्रसाद मिश्रा के ये बेटे थे, जो कि कांग्रेस के चीफ, कांग्रेस की तरफ से चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर मध्य प्रदेश थे, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के बेटे थे ब्रिजेश मिश्रा, तो आप देख रहे हैं। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी 1991 को, तो कांग्रेस के मिनिस्टर के बेटे ने बीजेपी ज्वाइन की। आप देख सकते हैं भैया, यही है डेमोक्रेसी की ताकत, यहां पे हर किसी को सोचने की आजादी है, ठीक है, जो वो करना चाहे यहां पे कोई किसी को नहीं रोक सकता है। तो ब्रिजेश मिश्रा आईएफएस ऑफिसर थे, इंडियन फॉरेन सर्विस इन्होंने ज्वाइन की थी, सिविल सर्विस निकाला था, डेफिनेटली बहुत जबरदस्त ब्यूरोक्रेट थे, यूनाइटेड नेशंस, भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहे थे 1979 से लेकर 1981 तक। उसके बाद फिर उनका रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 1991 में बीजेपी ज्वाइन की। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी, और हाँ ये इंदिरा गांधी के करीबी भी माने जाते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जब एनएससी बनाया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाया, तो ब्रिजेश मिश्रा को पहला एनएसए बनाया गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, तो आप नाम जरूर याद कर लीजिएगा। और इनके पास ना दोनों पोस्ट थी, ठीक है ना, ये एनएसए भी थे और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। भैया इनके सामने किसी मिनिस्टर की नहीं चलती थी भैया, पोखरण से लेकर लेकर कश्मीर तक जो पॉलिसी रहती थी ना, वो ब्रिजेश मिश्रा की ही रहती थी। अटल बिहारी के दाएं हाथ थे, इवन बाएं हाथ भी थे अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल था वो बहुत ही जबरदस्त था, वो सभी को पता है, उसमें ब्रिजेश मिश्रा का बहुत बड़ा हाथ था, है ना, हाथ पांव सब था, ठीक है, पीएमओ में इनकी बहुत ज्यादा चलती थी, है ना। और भैया जैसा कि मैंने बताया ना, इनका व्यक्तित्व इतना जबरदस्त था, ये भैया संजय बारू भी बताते हैं अपनी किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में, वो जब मनमोहन सिंह की पूरी लाइफ को बताते हैं, तो साथ ही साथ ब्रिजेश मिश्रा को भी कंपेयर करते हैं कि यहां पे इनका जो पूरा कैबिनेट है वो कैसा था, और ये जो इनका पूरा कैबिनेट था एनएससी का, उस पे अकेले ब्रिजेश मिश्रा भारी थे, तो ऐसा इनका कुछ व्यक्तित्व था। अब 2012 में इनकी डेथ हुई थी दोस्तों, हाँ इनका देहांत हो चुका है, 2012 में इनकी डेथ हुई थी, इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। उसके बाद है जे एन दीक्षित, जे एन दीक्षित भी कम नहीं थे, जे एन दीक्षित मनमोहन सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार थी दोस्तों, ये मनमोहन सिंह की सरकार में जे एन दीक्षित एनएसए बने थे, और मनमोहन सिंह ने डिवाइड कर दिया था, मतलब स्प्लिट कर दिया था कि एनएसए अलग होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अलग होगा, तो अलग अलग पोस्ट दी गई थी। तो जे एन दीक्षित भी थोड़ा सा इनका मतलब ये था, लेकिन इनका थोड़ा सा क्या कहते हैं कि एक तरीके से फ्रेंडली नेचर था, हर किसी के साथ ये मेल जोल करके आराम से बढ़िया तरीके से काम करते थे। लेकिन भैया जे एन दीक्षित भी, इनका भी जो कैलिबर था वो बहुत ही जबरदस्त था। आईएफएस थे, 2005 में इनके हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। और दोस्तों इनका बहुत बड़ा काम था दोस्तों, जे एन दीक्षित ने नेगोशिएटर थे भैया, जो उस समय डिस्प्यूट चल रहा था पीओके और चाइना से, उस समय डिस्प्यूट चल रहा था, तो वहां पे बहुत अच्छे से नेगोशिएट किया था जे एन दीक्षित ने, लेकिन ज्यादा इनका कार्यकाल जो है वो चल नहीं पाया था। जे एन दीक्षित जो है वो मनमोहन सिंह के बहुत ज्यादा करीबी थे और बड़े ही बैलेंस इंसान थे, लेकिन भैया इनके भी डिस्प्यूट होते थे। जी हाँ,
जी एन दीक्षित के भी डिस्प्यूट होते थे, नटवर सिंह जो समय फॉरेन मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह की सरकार में, और जे एन दीक्षित की पॉलिसी अलग रहती थी, नटवर सिंह की पॉलिसी अलग रहती थी, तो दोनों के बीच में तनातनी तो रहती थी और मनमोहन सिंह काफी परेशान भी रहते थे। एक बार दो ब्यूरोक्रेट्स के बीच में बहुत जबरदस्त बहस हुई थी और मनमोहन सिंह उठ के चले गए थे मीटिंग से। ये सब मैंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की बुक का जो रिव्यू किया है वो उसमें बताया है मैंने, आप देखिएगा। उसके बाद दोस्तों एम के नारायणन, देखिए ब्रजेश मिश्रा और जे एन दीक्षित तो इंडियन फॉरेन सर्विस से थे, ठीक है, लेकिन एम के नारायणन जो थे 2005 से 2010, काफी बड़ा कार्यकाल रहा है, वो इंडियन पुलिस सर्विस से थे। उसके बाद दोस्तों शिवशंकर मेनन, और अभी जो कार्यकाल देख रहे हैं वो है अजीत डोभाल, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये एनएसए एनएससी के बारे में मैंने पूरा बताया है, इस तरीके से भैया भारत सरकार में काम होता है और भारत को सुरक्षित सुरक्षित रखने के लिए काफी मेहनत भी लगती है। जी हम चैन से जब सोते हैं ना तो वहां पे बहुत सारे सरकारी ऑफिशियल्स, हमारी आर्मी हमारी सेना काम कर रही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।